तो आगे मेरे भाई कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपने मोबाइल को कितना हद तक गर्म होते देख सकते हो और किस तरह से आप पता कर सकते हो कि ये हमारा मोबाइल कितना हद तक गर्म हो जाता है। तो मैं एक कहानी आपको बताता हूँ कि मैंने एक मोबाइल लिया था फ्लिपकार्ट से, वो भी सैमसंग का था। वो मोबाइल इतना ज़्यादा हीट होता था कि मैंने कस्टमर केयर को कंप्लेन किया, मोबाइल को रिटर्न डाल दिया। उसके बाद वहाँ से फ्लिपकार्ट वाले ने वहाँ से इंजीनियर को भेजा कि पहले इसे मोबाइल को चेक किया जाए कि कितना हद तक गर्म होता है। तो मैं पहले MI यूज़र था, रेडमी का फ़ोन यूज करता था, तो मुझे लगता था कि सैमसंग का फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो मैंने इसे रिटर्न करने के लिए अप्लाई किया उसमें। फिर उसके बाद वहाँ से इंजीनियर साहब आए और उसके बाद जब हमारे मोबाइल को चेक किया तो हमारा मोबाइल लगभग लगभग 41 डिग्री सेल्सियस यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म हुआ। तब उन्होंने बताया कि 50 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म होता है मोबाइल तब आपका मोबाइल बदला जाएगा। तो फ्लिपकार्ट से मोबाइल लेने में भी परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि पहले अगर आपके साथ भी यह परेशानी हो कि आपका मोबाइल हीट होता है, नए मोबाइल आप परचेस किए हो फ्लिपकार्ट से, अगर आपका मोबाइल हीट होता है तो आपका मोबाइल एक्सचेंज होगा या रिटर्न होगा कि नहीं, तो पहले ही आप पता कर सकते हो। तो मैं एक ऐप बताऊंगा आपको जो वही इंजीनियर साहब ने बताया था हमको कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो, और वो खुद इसी ऐप से हमारे मोबाइल को चेक किए तो मेरा मोबाइल 41 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ था। तो मैं उस ऐप में आपको ले चलता हूँ, बताऊँगा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका मोबाइल कितना हद तक गर्म होता है और बैटरी परसेंटेज मतलब और कुछ भी उसमें फीचर्स है, बहुत सारा कुछ उसमें चेक कर सकते हो। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करने का डायरेक्ट आपको उस ऐप में ले जाएगा और उस ऐप को आप डाउनलोड करके रख सकते हो, अपना मोबाइल का हीटिंग प्रॉब्लम चेक कर सकते हो उसमें। तो चलिए दिखाता हूँ स्क्रीन पर कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। मैं ले चलता हूँ फटाफट से ऐप में, जिस ऐप के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल का तापमान चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डाटा को इनेबल कर लेना है। तो ये है वो ऐप CPU Z में आपको जाना है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला नंबर है सोशल, देख सकते हैं SOC कुछ भी हो। तो यहाँ पे क्लॉक स्पीड यानी कि कोरेस जितना कुछ भी है सब आपका मोबाइल का डिटेल्स इसमें बताएगा। अब आते हैं डिवाइस में, डिवाइस में आप देख सकते हैं स्क्रीन साइज, हार्डवेयर, बोर्ड, मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर और इंटरनल स्टोरेज, अवेलेबल स्टोरेज, टोटल रैम, जितना कुछ आपके मोबाइल में बचा हुआ है उस सब बता दिया जाएगा। फिर अब आइए सिस्टम में, सिस्टम में देखिए क्या एंड्रॉयड वर्जन 9 है, यहाँ पे कर्नल आर्किटेक्चर बता रहा है, यहाँ पे कर्नल वर्जन बता रहा है, या फिर जो कुछ भी होगा आपका मोबाइल में सब कुछ इसमें बता दिया जाएगा। अब आइए बैटरी में, यह है बैटरी का ऑप्शन, यहाँ पे बैटरी में दिया हेल्थ गुड है, यहाँ पे लेवल 91% बैटरी हमारा बचा हुआ है, पावर सिक्योर बैटरी है, स्टेटस डिस्चार्जिंग है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिथियम लाइन, यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हैं, वोल्टेज पहले देख लीजिए 4142 mAh है और टेम्परेचर यहाँ पे 36.4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे टेम्परेचर है 36.4 डिग्री सेल्सियस। ये जो आपका 36.4 डिग्री सेल्सियस है ये कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस तक जाना चाहिए तब आपका मोबाइल एक्सचेंज होगा फ्लिपकार्ट के द्वारा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है कि अगर 44-45 डिग्री यानी कि 44 या 45 डिग्री सेल्सियस तक ही अगर आपका मोबाइल जाता है तो इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि मत पूछिए। देखिए अगर आपका मोबाइल होता हो तो आप समझ सकते हो, लेकिन ये 50 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा है, उतना हो गया तो मोबाइल ही ब्लास्ट हो सकता है। अगर 40 डिग्री तक सेल्सियस ही मोबाइल आपका गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है। तो अब आइए थर्मल में, थर्मल में ये कुछ नहीं है, इसमें सेंसर में भी यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ सैमसंग का अपना फीचर्स होगा। फिर यहाँ पे अबाउट में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल किस हद तक गर्म होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।